121 स्कूप में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव प्रचार काफी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे तापमान गिर रहा है उसी तरह से जो है चुनाव प्रचार का तापमान बढ़ रहा है। आज हमारे बीच उत्तर नागपुर के एक ऐसे नेता जो जमीन से जुड़े नेता है, जो इस राज्य में कांग्रेस से कई मंत्री पदों की जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं और ये भी माना जाता है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो मुख्यमंत्री पद के भी प्रबल दावेदार होंगे, डॉक्टर नितिन राउत मेरे साथ है। नितिन राउत जी, आपका स्वागत है 121 स्कूप में। आप ये बताइए 121 स्कूप के दर्शकों को कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो बहुत साफ है और सीधा है और वो है उत्तर नागपुर के विकास का। जो पिछड़ापन उत्तर नागपुर का था, जो मैं जब यहाँ की जिम्मेदारी संभाली उसके 45 साल पहले से पिछड़ापन चलता आ रहा था। पिछले 15 वर्षों में मैंने उसको काफी हद तक के निकाला और आज उत्तर नागपुर, नागपुर शहर के बाकी इलाकों के बराबरी में बल्कि उससे बहुत अच्छा यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये यहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे प्रदान किया, जो प्यार दिया, उसी की देन है। केवल उत्तर नागपुर में सड़कें ही नहीं बनी है, उत्तर नागपुर में पानी के ओरे टैंक्स ही नहीं बने हैं, तो उड़ान पुल ही नहीं बने हैं, तो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तर नागपुर आगे आने के लिए उत्सुक है और आगे आ रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा रहे, चाहे तकनीकी शिक्षा रहे, आईटीआई भी उत्तर नागपुर में खुले हैं, सरकारी दफ्तर भी आना चालू है। तो अभी उत्तर नागपुर का पूरा चेहरा जो है वो बदल रहा है जी। देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता खासतौर से जानना चाहती है कि आपकी सरकार की 10 साल की क्या उपलब्धियां रही हैं। मेरे सरकार ने यहाँ पे स्थिरता दी है, सुरक्षा प्रदान की है महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर। आज जितनी अच्छी सुरक्षा यहाँ पर प्रदेश में देखी जाती है, महाराष्ट्र में उतनी अच्छी बाकी कोई राज्यों में देख नहीं सकते आप। और जहां तक महाराष्ट्र की प्रगति का आलेख अगर आप निकालेंगे तो आलेख आप देखेंगे कि महाराष्ट्र पूरे टॉप टेन जो स्टेट्स होते हैं पूरे देश के, उसमें पांचवे छठवे क्रमांक पर आज भी है। इससे यही साबित होता है। बातचीत कर रहे थे कैमरामैन हर्षल चावरे के साथ, मैं शकील अहमद जहांगीर, एडिटर इन चीफ 121 स्कूप नागपुर।